आज मेरे साइकिल का टायर भी पंचर हो गया भाई, हवा निकल गई। कैमरामैन परेशान हो गया। इस बार हमारे पास रेग मार्क है ना, उसकी समस्या यहाँ पर ये, अभी यहाँ पर कोई ढाबा नहीं है, खाना पीना कुछ नहीं है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत आज की एक और नई वीडियो में। लगभग 3 दिन हो गए द्वारका बेट में आए हुए, और 3 दिन से यहीं गुरुद्वारे में रुके थे। पहले दिन अनूप भाई की तबीयत खराब होने की वजह से ना आए भले हमने कहीं भी घूमने नहीं गए। कल आपको सारा द्वारका बेट घुमाया, और अभी हम जा रहे हैं अपना आगे के सफ़र की ओर। मतलब यहाँ से वापसी होगी, बट अब सफ़र अपना आगे का होगा। भाई ये तो मैं भूल ही गया था, मेरी ये सीट भी टूटी हुई, पीछे वाला कैरियर भी टूटा हुआ है। अब इसको एडजस्ट करके फिर ऊपर ये सैडल बैग लगाने पड़ेंगे। तो आज हम जा रहे हैं यहाँ से सीधा नागेश्वर की ओर, वहाँ दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर निकल जाएंगे आगे द्वारका होते हुए आगे पोरबंदर जूनागढ़ की तरफ। तो भाई इधर अच्छे तरीके अपना सामान साइकिल पर लगा दिया, बस थोड़ा सा ये जो कैरियर है ना ये परेशान कर रहा था, बट तारे तुरे बांध के ना उससे अच्छे तरीके से अपना सामान सारा लगा दिया है। ठीक है, अभी टिगलू भाई अनूप भाई निकल चुके हैं, मैं भी निकलता हूँ। और यहाँ पर अपना 2 दिन का 3 दिन का ठिकाना था, बड़ा अच्छा लगा, बड़ी शांत सी जगह थी। ठीक है, कभी आओ तो यहाँ पर जरूर आना, दर्शन करना, रहना और अपना लंगर भी छक के जाना, पूरी व्यवस्था है। थोड़ी थोड़ी संगत यहाँ पर आती रहती है, कभी 2 आगे, कभी 4 आगे, कभी 10 आगे। चलो भाई गेट खोला है, अब बंद भी करना पड़ेगा। चलो चलो, ऐसा कुछ माहौल है सुबह सुबह का। सुबह सुबह नहीं मतलब टाइम तो काफ़ी हो गया। और भाई इधर ही तोफ दिखानी, वो आपको बोल गया था अच्छे तरीके से, ये तोफ रखी हुई है, बांगियां दी तोफ, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। बांगी मिसल जमजमा इज ए मैसिव हैवी वेट गन, ये गन के बारे में लिखा हुआ है, ये सामने लिखा है। ज़्यादा आगे जाके दिखा नहीं सकते, तारबंदी कर रखी है ना। और भाई देखो इसके अंदर भी एक गोला पड़ा है, गोला बार उधर नीचे भी रखे हुए हैं। ठीक है, चलो चलते हैं, ऐसे ऑटो में आते हैं जो भी संगत आती है ना, क्योंकि तो थोड़ा मेन सिटी से थोड़ा दूर पड़ जाता ना। चलो भाई 3 दिनों बाद साइकिल चला रहे, कैसा लग रहा है? सच्ची जो पुराने घर हैं उनकी छतें ढलान वाली हैं, और जो नए हैं ऐसे उन पे लेंटर डला हुआ है। चलो भाई मेन रास्ते पर आ चुके हैं, साथ में ना साइकिल वाली पट्टी, उसी पे चला साइकिल पट्टी से हैं। चलो साइकिल वाली पट्टी से चलते हैं। तो बस भी आने लगी है, देखो भाई अब ये पता नहीं जो श्रद्धालु आते हैं उनकी अपनी खुद की बसें हैं, मतलब जो किराए पर करके लाते हैं, या इधर के मतलब यहाँ लगी हुई हैं बेट द्वारका से द्वारका के लिए। द्वारका सीधा ओखा रेलवे स्टेशन, सीधा ओखा पोर्ट, वो भी सीधा ही सीधा, और वही तो सारा समंदर ही समंदर। चलो भाई यहाँ से हमें लेफ्ट जाना है, इलेक्ट्रो मिनरल के पीछे कंपनी है ना, यहाँ वो इलेक्ट्रोल मिलता होगा ना जो पानी में मिला के पीते है ना, यहाँ से ले ले एक डब्बा कट्ठा, सस्ता मिल जाएगा। एक लोग पूछ लेगा तेरी तो पहुँच दे देंगे। जहाँ हम रुके थे ना गुरुद्वारा साहिब में, वहाँ से नागेश्वर मैप पर दिखा रहा था लगभग 22-23 किलोमीटर दिखा रहा था ना, हाँ 22-23 किलोमीटर के करीब लगभग, जिसमें से 4-5 किलोमीटर हम आ गए हैं। तो अभी यहाँ से लगभग कितना रह गया होगा, रह गया 17-18 किलोमीटर। तो देखते हैं अभी आज का स्टे वहीं करते हैं या फिर आगे निकल जाते हैं। ये जो मोरपंख का सिंबल लगा रखा है इसकी वजह पता है? सुदर्शन हाँ, श्री कृष्ण जी को पसंद था ना, इसलिए शायद सेतु का सिंबल भी यही बना दिया। हाँ हाँ, श्री कृष्ण जी को संबोधित करता है मोरपंख, तो इसलिए जो ब्रिज का सिंबल है वहाँ भी ये लगा हुआ है, मतलब ब्रिज के ऊपर भी मोरपंख का सिंबल बना हुआ है। चलो आगे फिर से वही एरिया आ जाएगा जहाँ पर बोट बनती हैं, ये शिप तैयार होती हैं, और मछुआरों का एरिया आसपास। यहाँ से हवा भरवाते हैं, देख के भरना पूरी पूरी सी। तो सर जी की दुकान है, हेलो सर जी कैसे हो? बस ठीक ठाक है, वेलकम बेट द्वारका। ओह थैंक यू सो मच। इस जगह का नाम क्या है?
क्या जकारनाका ओखा, मतलब मेन ओखा रोड ही लगा लो, है ना? बेड़द्वार के। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। तो सर जी की दुकान है, हवा भरते हैं, फिर आगे का अपना सफर शुरू करते हैं। नागेश्वर कितना हुआ यहाँ से? 18 किलोमीटर। उसके बाद फिर द्वारका जाना पड़ेगा, है ना? सीधा द्वारका जाओ, द्वारका से सीधा सोमनाथ। हाँ जी, 2-4 महीना भी लग जाएगा सर। तो इधर ना सर जी के पास ऑयल था, हमने सोचा चेन को ये भी लगा लेते हैं। सही है, इसको घुमाता, रुक जा, घुमाता रहो ना, अब लगा, सही, अब लगा लगा, हाँ अब लगा, अब सही रहेगी ना, ये चेन घुमा दो थोड़ी सी, आराम, रुक जा यहाँ से, चल 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 चल, आराम से आराम से आराम से, पता नहीं लग रहा ना। मैंने सोचा यहाँ से तरबूज खाएंगे, तरबूज की दुकान है, काफ़ी तरबूज पड़े हैं भाई यहाँ आसपास, होते होंगे समुंदर के किनारे में ना, रेत पर हो जाते हैं, बट वो भाई लोग तो आके चाय पानी की दुकान पर रुके हैं। गन्ने का जूस भी है, शायद गन्ने के जूस के चक्कर में रुके हैं। हमारे वहाँ पे जो मशीन है, कंडीशन में बर्फ घूम लेता है, फिर यहाँ पे चलता है। तो भाई हमारे उधर पता क्या होता है, जैसे नीचे बड़ा सा बकेट रख देंगे, कुछ पतीला टाइप लगा लो, उसमें बर्फ़ डाल देंगे, ऊपर से जूस निकालते रहेंगे, जितनी बर्फ खुर के अपने आप घुलेगी ना, वही होती है। इसमें अलग से बर्फ़ डालते हैं पहले गिलास में, फिर ऊपर से जूस डालते हैं, सबका अपना अलग अलग सिस्टम है भाई, ठीक है। अभी इसको पीना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसके ऊपर ना बर्फ़ ऊपर ऊपर तैरती रहती है, तो मुँह में आती है। वैसे मीठा अच्छा है, नींबू वगैरह भैया ने काफ़ी डाल दिया। चलो ये पीते हैं, फिर अपना आगे का सफ़र शुरू करते हैं। यहाँ पर ना ऐसे साइडों में ना थोड़ी छोटी झुग्गियाँ बना रखी है रहने के लिए, और भाई ये झुग्गियाँ ना डबल मंजिल है, मतलब दो दो, एक नीचे एक उसके ऊपर बना रखी है ऐसे। ये ना समुद्री जहाज का ऊपर वाला हिस्सा है, इसी को रहने के लिए ना घर बना लिए। इनके ऊपर नंबर भी लिखा था, त्रिलोक इंड जी जे 37MM388, ऐसे कुछ नंबर लिखे होते हैं। बस आगे थोड़ी दूर जाके ना एक ब्रिज क्रॉस करना है, ब्रिज क्रॉस करके फिर हमने लेफ्ट साइड मोड़ जाना है, मतलब जो टाटा की कंपनी है ना वो वाली दोबारा नहीं क्रॉस करनी, उससे पहले ही रास्ता हमारा लेफ्ट साइड हो जाएगा। यहाँ पर आपको फ्लैग ही फ्लैग दिखेंगे। छोटी छोटी बोट भी हैं भैया, यहाँ पर भी लोग ना पशु रखते हैं, दुधारू पशु, दूध लेने के लिए, क्योंकि छतों पर मैंने कई जगह देखा है पशुओं का सूखा चारा पड़ा हुआ है। हरा चारा कहाँ से लाते होंगे, शायद खरीद के लाना पड़ता होगा, आसपास तो कहीं होता ही नहीं है। सामने साइन बोर्ड लगा है, नागेश्वर लेफ्ट साइड, द्वारका सीधा। भाई रास्ता तो मिल गया है, काफी चौड़ा भी बट बन रहा है भाई, निकल जाएंगे यहाँ से, रास्ता सही है। ठीक है जी, ओके जी ओके। रास्ता नया बन रहा है और काफी ऊंचा बनाया जा रहा है, कंक्रीट का बन रहा है, ये तारकोल वाला नहीं है। मेन जो सीधा द्वारका वाला हाईवे वो उधर रह गया सीधा सीधा, और यहाँ शायद ये टाटा वाली कंपनी दिख रही है या कोई और दिख रही है, पता नहीं, चिमनियाँ देख के लग रहा है टाटा वाली कंपनी की, टाटा नमक वाली, तो कुछ भी हो सकती है। और भाई इधर ये पता नहीं क्या चीज़ बनी हुई है, पाइप से खड़े हैं, कौन सी कंपनी है मैं हमें कुछ दिखा नहीं रखा, देखना ये पाइप से खड़े हैं, वो कहाँ से लेके कहाँ तक ऐसे पाइप से खड़े हैं। तो ठीक है, अभी बस थोड़ा ही अपना यहाँ से नागेश्वर, और आगे चल के ना मेन हाईवे, मतलब इससे अच्छा रास्ता आ जाएगा बड़े वाला। मैम ने देखा इसको छोटा से दिखा रहा है, एक उधर से मेन रास्ता आ रहा है जो नागेश्वर जाता है, वो बड़ा है, चल के देखते हैं और अच्छा रास्ता आता है कि नहीं। बाकी पहले वाले रास्ते से अच्छा रास्ता आ चुका है, जो पीछे टूटा फूटा था ना वो निकल गया, इसमें ये अच्छा है, बट इसको भी चौड़ा कर रहे हैं साइड में थोड़ी पट्टी और मिला के। यहाँ ना वो सामने उस फैक्ट्री से जो आपको दिखा रहा था, वहाँ से पाइपलाइन आ रही है सीधी, ये अभी पता नहीं किस चीज़ के, वहाँ कोई केमिकल बनता है क्या बनता है, और यहाँ से ऐसे जा रही है इधर आगे समुंदर की ओर, इधर थोड़ी ही दूर समुंदर है भाई, वहाँ तक जा रही है। और मेरे को अंदाज़ा ये लग रहा है, या तो ये समुंदर से पानी, हाँ समुंदरी खारा पानी लेके आते होंगे, या तो अगर वो केमिकल, मतलब नमक की फैक्ट्री है, और अगर कोई और फैक्ट्री है तो इसका मतलब है उसका गंदा वेस्टेज पानी या कुछ भी है, वो इस पाइपों के सहारे इधर भेजा जा रहा है, तो अंदाज़ा लगा रहा हूँ, बाकी पता ना भाई, ये
तो पानी है देखो नीचे ना लीक हो रहा है पानी है भाई। ये समुंदर का पानी वहाँ से वहाँ ले जाया जा रहा है, शायद टाटा नामक की कंपनी के पास तक जाता होगा, वहाँ फिर पानी को खेतों में जैसे बना के तालाब टाइप वहाँ पर इसका फिर नमक बनाते होंगे, यही होगा ठीक है। और सामने देखो कितना बड़ा वाइट सा पहाड़ है, शायद वो नमक इकट्ठा कर रखा मेरे को लग रहा है, नमक या कुछ हो रहा है पता नहीं क्या चीज़ है, दूर है ना पास होता तो पता भी लग जाता। चलो चलते वो आगे निकल गए काफ़ी आगे, मौसम भी थोड़ा ठीक हो गया, गर्मी से राहत मिली है। आगे ना एकदम से डाउन है, वो पीछे ना थोड़ी दूर पहले वो रास्ता मिल चुका है, मैं जो आपको बता रहा था अभी आगे जाके मेन रास्ता और मिल जाएगा, बट उसके बाद भी रास्ता ना ऐसे ही है भाई। लोग काफ़ी आगे निकल गए हैं भाई, मैं वीडियो बनाने के चक्कर में पीछे रह गया। चलो थोड़ा तेज तेज चलते हैं। चलो अपने भाई लोग खड़े शायद मेरी वेट में ही खड़े थे, चलो आ जाओ वीडियो बनाने लग गया था, रेस्ट करना यहाँ 2 मिनट, चलो रुक जाते हैं गर्मी है थोड़ी देर रुक जाते हैं। भाई आगे ढाबा वहाँ रुकते हैं, चाय पीते आ जा है ना, यहाँ के मंदिर बना हुआ है, छोटा सा गाँव है, गाँव का नाम पता क्या है? पता नहीं क्या, बागरी गांव है छोटा सा भाई। हाँ जी बादली, अच्छा बादली गांव है छोटा सा भाई। तो कितना रह गया यहाँ से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग? 8 किलोमीटर। ओके ओके ठीक है जी, मैं आपको साइड में दिखा रहा हूँ बड़ा बड़ा पहाड़ क्या नमक सा लग रहा है, भी समझ नहीं क्या चीज़ है। भैया बता रहे जो टाटा कंपनी थी ना, वो टाटा कंपनी जो राइट साइड में देखती है ना यहाँ से पीछे, उसका जो वेस्टेज है ना वही पड़ा सारा यहाँ पर इकट्ठा कर रखा है, डंप कर रखा है, काफ़ी बड़ा बड़ा पहाड़ सा बना रखा है। तो ठीक है भैया चलते हैं, नागेश्वर जाना है ना। हाँ तो जो ये यू टर्न आया, हाँ आगे से एक रास्ता इसे जा रहा है। अच्छा अच्छा, तो रास्ता ले लेना तो सीधा नागेश्वर जाएगा, नहीं तो पूरा घूम के जाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, ये तो इधर स्कूल है भाई, और देखो बच्चे हैं, स्कूल है और स्कूल के साथ ही छोटा सा चाय पानी का दुकान ला लो, ढाबा ला लो, दुकान ही है, ढाबे पे तो खाना पीना मिलता ना, ये चाय पानी वाला है। इधर स्कूली बच्चे हैं, छोटू चप्पल किधर गई आप लोगों की, बिना चप्पल की? स्कूल में है चप्पल, स्कूल में। अच्छा अच्छा, अभी छुट्टी हो रखी है? रिसेस, हाँ वो रिसेस ही होती है। ठीक है ठीक है, वाह कौन कौन सी क्लास के हो? सब 7 के? अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। हिंदी सभी को आती है? सभी को आती है नहीं? ओके ओके ठीक है जी, चलो भाई चाय पीते हैं। चाय? हाँ भैया ने बताया नहीं ना, ठंडी होने के लिए। चलो भाई पिएगा नहीं पिएगा? टिकलू भाई चाय नहीं पीते, आज की पहली चाय है, सुबह पीती है गुरुद्वारे में एक पीती, उसके बाद तो नहीं। तो भाई इधर चाय पानी पी रहा था, अभी एकदम से ध्यान गया भाई, देखो आज मेरे साइकिल का टायर भी पंचर हो गया भाई, हवा निकल गई, वो गया गया, पंचर लगाना पड़ेगा भाई, सामान उतारना पड़ेगा सारा, ये सबसे बड़ी टेंशन होती है। ₹3 लाख से यहाँ से ले गया, तो बारीक पंचर है, बारीक कांटा लगा इसको भाई, एक चीज कैमरा मैन परेशान हो गया, इस बार हमारे पास रेग मार्क है ना तो पंचर अच्छे तरीके से लग जाएगा भाई, देखो सब रगड़ा गया, देख सही रगड़ा, अब लगेगा पक्के वाला पंचर। देख ले कभी, कैमरा चालू ही नहीं किया, ये रहा
तो वही पंचर लग चुका, बारीक सा पंचर था बिल्कुल, लोहे का ना छोटा सा कांटा लगा होता, वैसे वो निकला नहीं अच्छे तरीके से, बीच में ही टूट गया। अब देखते हैं चलता नहीं चलता क्या सिस्टम होता, बाकी एक बार पंचर अच्छे तरीके से लगा दिया, अब तो बस रास्ते में पता लगेगा। ठीक है अभी चलते हैं, यहाँ से 7-8 किलोमीटर का सफर है, ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है भाइयों, बाय बाय। चलो भाई, कौन सा गांव था ये? पाटली। पाटली है, पाटली पाटली। ठीक है ठीक है, चलो भाई यहाँ से रास्ता छोटा आ चुका है भाई, वो मेन वाला बड़े वाला रास्ता ख़त्म हो चुका है। दो रास्ते कहाँ पर बोल रहे थे वो, इधर ना ये देखो भैंसे रखी हुई हैं भाई, दूध के लिए पशुपालन का काम भी चलता है। देखो भाई बसें भर भर के श्रद्धालुओं की आ रही है। यहाँ से राइट जाना भाई नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए, सीधा निकल जाता है, सीधा भी नागेश्वर ही जाता है बट घूम के जाता है गोपी तला, दूर पड़ेगा उधर से, ये सीधा शॉर्टकट पड़ेगा भाई, ये ऐसे ऊपर से घूम के आएगा, ये सीधा निकल जाएगा। सिंगल सा रास्ता बस थोड़ा सा यही है, बाकी कोई चक्कर नहीं है भाई, थोड़ी दूर है 5-7 किलोमीटर का है, तो इतना तो निकाल ही देंगे, ज़्यादा भी टूटा नहीं है, ठीक है साइकिल चल जाएगा। पर ये रास्ता ना जंगल वाला है, इस एरिया में ना थोड़ी बहुत ही खेती होती है भाई, फिलहाल अभी तो कुछ भी नहीं, खेत खाली पड़े हैं, पर खेत देखने से लग रहा है अभी कुछ खेती होती है भाई, खेत खोद के रख रखे हैं ना, बारिश की वेट में है, जब बारिश आएगी कुछ लगा देंगे। रास्ता ज़्यादा ही टूटा फूटा आ चुका भाई, और इधर ही सारा खजूर का बाग बना रखा है, अभी पेड़ पौधे छोटे ही हैं खजूर के, नया नया लगा रखा है ना, तो आने वाले टाइम में बड़ा हो जाएगा, और आगे कुछ अनार के पौधे भी हैं। ये देखो गाड़ियाँ ज़्यादातर इधर से जा रही हैं, जितनी भी जा रही हैं। एक चीज़ अच्छी होगी भाई, अभी तक हवा नहीं निकली, मतलब वो जो कांटा था ना बारीक सा लोहे का, वो निकल ही आया भाई। गांव तो आसपास दिख नहीं रहा, ये शायद खेती करते हैं ना तो उन्हीं किसानों के घर हैं। यहाँ पर कुछ खेती देखने को मिली है, ये क्या चीज़ है पता नहीं है, कुछ अलग सी देखने में ऐसे लग रहा है जैसे भिंडी होती है ना, वैसे पत्ते लग रहे हैं, पर पता नहीं क्या चीज़ है। अगर रास्ता सही होता ना अभी तक पहुँच जाते। कहाँ मोर नहीं है? ओए टिकलू आगे ना रोक, गिर गया, बच गया यार। अरे मोर नहीं है, मोर है, दो क्या हुआ? भाग गए, भाग गए। हाँ। इतना टाइम थोड़ा लगा। हाँ भाई है वो, देख एक सेकंड, जूम में आएगा नहीं है ना, नहीं आएगा वो, देखो भाई वो गया है, मोर बहुत है क्योंकि हरियाली है ना, पेड़ पौधे इस चक्कर में भाई, और इधर ये फूलों के पेड़ पौधे साथ साथ लगा रखे हैं, छोटे छोटे पीले पीले फूलों के भाई। ठीक है रास्ता अपना ऐसा चल रहा है कुछ, अगर रास्ता साफ होता अभी तक हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पर होते भाई। तो यहाँ रुक चुके भाई लोग अपने, और यहाँ कुछ ऐसा कुछ दिख रहा भाई, इधर एक घर है किसी किसान का, बीच में नारियल के पेड़ पौधे हैं। चलो भाई यहाँ रुकते थोड़ी देर। हाँ भाई रुकिए ना, यहाँ पर हवा चल रही है ठंडी ठंडी सी, मस्त सी हवा है, यहाँ बैठते हैं, चेयर लगी हुई है, और इधर बरगद का पेड़ है, इधर अपने टिकलू भाई बरगद है भाई, पीपल की है, दाढ़ी नहीं होती, काय बोलते हैं इसको ना। चलो भाई यहाँ आराम करते थोड़ी देर, थोड़ी सफर रह गया 5-4 किलोमीटर का, लगभग 10-15 मिनट यहाँ पर बैठे थे, ठंडी ठंडी हवाओं के आनंद ले रहे थे भाई। चले अपना सफर थोड़ी रह गया, कितना होगा? पाँच नहीं कम ही होगा, पाँच होगा, मैं 3-4 के करीब सोच रहा था, पाँच। चलो यार 1-2 किलोमीटर का कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। चलो भाई चल देख लो, चलो भाई अभी यहाँ का टेम्परेचर है 29 के आसपास ही जा रहा है, 1-2 दिन बाद शायद 30 तक जाएगा, बट मौसम बड़ा अच्छा है, गर्मी बिल्कुल भी नहीं लग रही, ठंडा ठंडा सा कूल सा माहौल बना हुआ अभी तक तो। और जैसे जैसे जूनागढ़ की तरफ जाएंगे उधर का टेम्परेचर 38 के आसपास दिखा रहा है भाई, तो भाई वहाँ तो पूरी गर्मी होगी तगड़े वाली, बट एक चीज़ अच्छी है उधर हरियाली ज़्यादा, पेड़ पौधे और भी ज़्यादा मिलेंगे, तो उनके सहारे चलते रहेंगे। तो भाई इधर ना थ्रेसर के द्वारा सरसों या कोई दाल है वो निकाली जा रही है, वो देखो। तो भाई यहाँ से बस 2-3 किलोमीटर रह गया नागेश्वर टेंपल, सामने दिखाई दे रहा होगा आपको, वो देखो, और सूर्य देवता भी धीरे धीरे अस्त होते जा रहे हैं भाई। तो भाई सामने वही रास्ता आ चुका है जिसको छोड़ के आए थे भाई, ये ऊपर से घूम के आया इधर से गोपी तालाब की तरफ से, और अभी इसी पर जाना है भाई, अच्छा रास्ता आ चुका है, बस सफर भी अपना 1 किलोमीटर रह गया, सामने दिख रहा होगा आपको, वो सामने देखो भाई,
बस 100 मीटर की दूरी रह गई है। ये रास्ता सीधे निकल जाता द्वारका, यहाँ से 16-16.5 किलोमीटर के करीब है। तो फाइनली आप सभी का स्वागत है जी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग नागेश्वर में। भाई भगवान भोलेनाथ जी की कितनी बड़ी प्रतिमा बनाई हुई है और सामने मेन मंदिर है, ठीक है। यहाँ पर 2 मिनट रुकते हैं, आराम करते हैं, चाय पानी पीते हैं, फिर आपको दर्शन करवाएंगे अंदर जाके। अगर वीडियो अलाउड हुई तो आपको अंदर दर्शन कराएंगे, नहीं तो हम खुद दर्शन करके आएंगे। भाई ये बर्फ वाला है, तो भाई जूस पी लिया गन्ने का तीनों भाइयों ने। अब हम जा रहे हैं भगवान जी के दर्शन करने के लिए, अंदर जा रहे हैं, अंदर चल के पता लगेगा अभी वीडियो अलाउड है नहीं अलाउड। बाकी जहाँ तक लग रहा है मेरे को अलाउड नहीं होगी, भाई इतना बड़ा मंदिर है तो वीडियो मुश्किल ही अलाउड होगी ना। वो सामने शायद लिखा भी है, दूर से शायद दिख रहा है। भाई इधर है मेन मंदिर नागेश्वर टेम्पल, और वो सामने जी आवड़ माता जी का मंदिर, वो सामने लिखा होगा हर हर महादेव। चलो भाई इधर कबूतरों को डालने के लिए दाने रखे हुए हैं, वो सामने कबूतर है उनको डालते हैं। तो पहले दर्शन करके आते हैं ना, किधर गया, पहले दर्शन करके आते हैं ना। चलो भाई ये तो बिजी हो चुके सारे। तो ये जी इधर का मेन मंदिर, सामने भगवान भोलेनाथ जी का स्टैचू बना रखा है, वो भी दिखाएंगे। तो भाई यहाँ पर जूते उतार दे तीनों भाइयों ने, और यहाँ से जाने का रास्ता वो लिखा ना मंदिर में जाने का रास्ता भाई, और ये बाहर से स्ट्रक्चर आपको दिखा दी, ठीक है। यहाँ से जिग-जैग करते हुए जाना है, लिखा नहीं कहाँ लिखा है, मैं दिखाता हूँ भाई। तो भाई अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, ये सामने लिखा है, ये देखो कैमरा मोबाइल, उस पर क्रॉस लगा, ये देखो। तो भैया जी बता रहे हैं भी यहाँ फोटो खींच सकते हैं अंदर, क्योंकि काफ़ी लोग खींच भी रहे हैं भी, वहाँ सामने आगे ना खींचना, बाहर परिसर दिखा सकते, सारा मंदिर परिसर अंदर का भाई। चलो तो ऐसा कुछ है अंदर से भाई, कुछ लोग वहाँ से वीडियो बना रहे हैं, तो भाई वीडियो बना सकते, कोई बोल भी नहीं रहा। वैसे तो लिखा हुआ वीडियो अलाउड नहीं है, बट कोई बोल ही नहीं रहा, तो भैया से कुछ और बोला बना सकते हैं, बाहर वैसे लिखा जब भीड़ होती होगी ना तब अलाउड नहीं है, क्योंकि भीड़ लग जाती है फिर लाइन में ना एक चक्कर में, तब बोलते हैं कि वीडियो अलाउड नहीं है। फिलहाल अभी अलाउड है भाई, तो आपको अच्छे से दर्शन करा दिया भाई, हमने खुद भी दर्शन कर लिए। और भाई एक बात और, यहाँ पर ना गुलशन कुमार जी की फ़ोटो लगी हुई है, जो टी सीरीज कंपनी के मालिक हुआ करते थे। और मेरे व्यक्ति शायद को बता रहा था कि जो एक ज्योतिर्लिंग जो यहाँ का ये मंदिर है, शायद ये उन्हीं ने बनवाया था, मेरे को याद आ रहा थोड़ा थोड़ा, तो शायद इन्होंने ही बनवाया था। तो यहाँ से एग्जिट है भाई सामने देखो, तो वीडियो वगैरह का कोई चक्कर नहीं, आप बना सकते हो आराम से, और इधर लड्डू प्रसाद हर चीज़ मिलेगी आपको। वो भाई पीछे लेक भी है, और इधर दूना अखंड दूना की बसम लगाने से मन शांत रहेगा भाई। तो ये ऐसा कुछ है। चलो भाई अभी आपको ना लेक दिखाते हैं इधर से भाई, पीछे ये लिखा हुआ लेक। चलो ये पीछे छोटी सी लेक बनी हुई है, ओ भाई इसमें मछलियाँ भी बहुत हैं भाई। हाँ मछलियाँ तो होंगी पर देख नहीं रही कोई सी भी, छोटी सी लेक बनी है काफ़ी शांत सी जगह। सामने मोर, और देखो भाई वो मोर है, और पीछे वो कमल के फूल खिले हुए हैं छोटे छोटे से। ठीक है अभी मतलब सनसेट भी हो चुका अच्छे तरीके से, और अभी रुकने की व्यवस्था भी करनी है कोई, तो इधर आपको दूना भी दिखा देते हैं भाई। दाने कबूतरों को डालते हैं, बट कबूतर तो है नहीं है, पर गाय माता और के मजे बने हुए हैं, ये मजे से गेहूं दाना बाजरा सब कुछ खा रहे हैं भाई। तो भाई यहाँ से दिखाते हैं भगवान भोलेनाथ जी की प्रतिमा अच्छे से आपको, ये देखो भाई कितनी बड़ी प्रतिमा बनी हुई है, 100 फुट तो होगी ना देख लो, है ना। चलो भाई आपको रुकने की जगह ढूंढी जाए भाई। तो भाई शाम के 7:30 का टाइम हो चुका है, कैंपिंग की व्यवस्था तो हो चुकी है, पीछे खाली जगह बहुत सारी। भैया से बात की ढाबे वाले से, ढाबा ने मतलब ये जो
चाय पानी बेचते हैं, वो बोरे पीछे जहाँ मर्जी कैंपिंग कर सकते हो, बट रात को 9 से सुबह 6 बजे तक मंदिर भी बंद हो जाता है, तो पानी पूरी की व्यवस्था करके रखना। और दूसरी समस्या यहाँ पर ये, अभी यहाँ पर कोई ढाबा नहीं है, खाना पीना कुछ नहीं है, मतलब वैसे मिल जाएगा चाय नाश्ता मैगी जैसे ये भाई लोग खा रहे हैं, टिकलू भाई खा रहा है, तो ये चीज़ तो मिल जाएगी, बट खाना नहीं है, रोटी चावल कुछ भी ऐसा कोई भी ढाबा यहाँ पर है नहीं है, सिर्फ चाय नाश्ता मिल जाएगा, जूस मिल जाएगा, मैगी मिल जाएगी, पकौड़े मिल जाएंगे, गोलगप्पे भी मिल जाएंगे। तो आज फिर इन्हीं से गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से ना द्वारका 17 किलोमीटर है, तो अभी जाया तो जाएगा नहीं भाई, अगर गए तो हमें 2 घंटे लग जाएंगे, रात के 9-10 बज जाएंगे, फिर वही मतलब धक्के खाने वाली बात हो जाएगी। तो अभी हम सोच रहे हैं यहीं से कुछ हल्का फुल्का खा के पीछे जाके कैंपिंग करते हैं और फिर सो जाएंगे। अगर ना यहाँ पर फ्रूट मिल जाते तो भी अपना काम चल जाता, बट फ्रूट भी यहाँ पर है, और फ्रूट हैं थोड़े बहुत हैं, काम चल जाएगा, ले लेते हैं भाई। तो भैया इधर फ्रूट मिल चुके हैं भाई, केले हैं, तरबूज है और सेब वगैरह हैं, बट काफ़ी महंगे हैं, यहाँ पर एक ही दुकान है ना, 70 रुपये किलो केले हैं, जो वैसे 40-50 मिलते हैं। चलो कोई ना, जब ज़रूरत हो करना पड़ता है, तो और कोई ऑप्शन भी नहीं है ना। चलो भाई एक किलो केले ले लिए, कुछ हल्का फुल्का इधर उधर से खा लिया, अपना काम चल जाएगा।